हमारे प्रिय भाई, अगर हमारे प्रिय भाई दानिश यहाँ मौजूद है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप स्केटोमीटर की सहायता से। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों दो रातों से अच्छे से सोया भी नहीं हूँ क्योंकि इस जगह विजिट करने के लिए मैं काफी दूर आया हूँ। दोस्तों मुंबई में उसी जगह आया हूँ जहाँ हमारे दानिश भाई का एक्सीडेंट हुआ था 20 दिसंबर के दिन। दोस्तों वो रात काफी खतरनाक रात थी, मुझे पता है कि दोस्तों काफी लोगों ने उस, मैंने पार्ट फर्स्ट में डाला था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आती होगी, मैं यहाँ चेकआउट करके गया था, लेकिन उस पार्ट में इतनी कमेंट आई थी भाई आप कैटोमीटर लेके जाओ रात की 12 बजे और देखो कि अपने दानिश भाई आपसे बात करते ही नहीं करते। दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा कि दानिश भाई की आत्मा से हमारी बात हो। तो दोस्तों हमारे पास एक कैटोमीटर है, आप हमारे हाथ में देख सकते हो। नहीं उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा गूगल टाइम कि इस वक्त समय क्या हो रहा है। टाइम पिटू भाई दिखाओ आपको। दोस्तों पिलर मतलब खंभे के बीच में दानिश भाई एक्सीडेंट हुआ था। फोकस कर लेना इसको। ठीक से 11:42 हो गई। दानिश जैन एक ऐसे यूट्यूबर है ना, पर्चे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी सी उम्र में बहुत नाम कमाया उन्होंने और छोटी सी उम्र में ना उनकी डेथ हो गई है। उनके चाहने वालों में से अर्जुन भाई और मैं भी यार। दोस्तों मैं खुद उनका फैन था, मैंने उससे काफ़ी एक्सपायर हुआ था उनकी वीडियो देख देख के, और मैंने यार यूट्यूब लाइन में कदम भी रखा ना तो मैंने उनकी वीडियो पहले से देखता था। मुझे कहा दोस्तों उनका जो बोलने का तरीका था लाजवाब लगता था, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं बताएंगे, कैटोमीटर का यूज़ करेंगे और बात करेंगे कि दानिश भाई की आत्मा आज भी यहाँ मौजूद है या नहीं है। दोस्तों प्रूफ करना है 101% अगर आत्मा होगी तो ये आपको पता है कि ये एक ऐसा यंत्र जो कि हमारे आत्माओं से बातचीत कराता है, यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है कि एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों चलते हैं लग जगह पे। जिस किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है दोस्तों लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना दूर सफ़र तय करके आया हूँ सिर्फ आपकी डिमांड पूरी करने की। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई आप जाओ 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 कैटोमीटर लेके जाओ, पता लगाओ दानिश भाई की आत्मा मौजूद है या नहीं है, सिर्फ आपके लिए आया हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना है, इतना दूर आया हूँ यार दिल खट्टा हो जाएगा लाइक नहीं कराया तो। अगर यार जो भी दानिश भाई को मानता है, उनकी वीडियो देखता है, उनका फैन है, जो भी है वो अच्छे से प्यार करता है, मतलब उन्होंने अभी तक दानिश भाई को नहीं भूला है, कमेंट ठोक देना कमेंट बॉक्स में। तो ज़्यादा बातें नहीं करता, अब बात करते हैं दानिश भाई से। दोस्तों देखो ऑन कर दिया, सॉरी ऑन कर दिया, यहाँ रख रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर कोई भी आत्मा मौजूद है तो हमें इस कैटोमीटर में साइन देवे। अगर दानिश भाई की आत्मा यहाँ मौजूद है तो हमें यहाँ साइन देवे। भाई अच्छे से जूम कर क्लोजली, अब हम अच्छे से जाके जूम करो। कुछ भी चीज़ें दोस्तों गाड़ी वगैरह आ रही है बट कोई इशू नहीं है, हम आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई भी आत्मा मौजूद है दानिश भाई की तो हमें कैटोमीटर में साइन देवे। अगर कोई भूत प्रेत आत्मा साया यहाँ आसपास भटक रहा है ना तो कैटोमीटर में साइन देवे, हमसे बातचीत करने की कोशिश करें। अगर हमारे प्रिय भाई दानिश यहाँ मौजूद है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप इस कैटोमीटर की सहायता से। दोस्तों अभी तक कोई भी साइन वगैरह नहीं मिला है, लेकिन थोड़ी सी लोकेशन चेंज करते क्या पता दानिश जैन की जो हत्या हुई थी ना, जो डेथ हुई थी एक्सीडेंट में नहीं रोड पे हुई थी। एक बार आप रोड पे चेक करो बीच के अंदर यहाँ पर इन जगह पे। दोस्तों यार देखो यार एक्सीडेंट देख मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन हादसा इसी जगह में होगा। अगर दानिश भाई यहाँ मौजूद होंगे ना, इतना विश्वास है कि 101% स्केटोमीटर में तो साइन तो पक्का देंगे। क्यों टू भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार उस रोड पे अभी भी आत्मा, इस वजह से अपन लोग आए, वरना कोई रीजन नहीं था दोस्तों आने का यहाँ पे। दोस्तों अभी तक तो ऐसा कोई भी साइन नहीं आया इसमें। दोनों यहाँ बैठ जाते हैं और है ना उन्होंने थोड़ा सा मौन रखते हैं, मन में उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, दिल की वो बोलते हैं सिद्धा से ऐसी कोशिश करते। दानिश भैया हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस कैटोमीटर में साइन देवें, क्योंकि आज आपकी ऑडियंस है ना आपको देख रही है और आप यहाँ अकेले मौजूद हो ना तो कैटोमीटर में साइन देवें। दोस्तों गाड़ियाँ वगैरह निकल रही हैं यहाँ से,
मेरा मन में ऐसा डर हो रहा है कि कोई गलती से हमारा भी यहाँ कुछ हादसा ना हो जाए, लेकिन यार मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। भैया आप कैमरा मैन उठाओ यहाँ से, फोकस पूरा स्पीड करें। मुझे नहीं लगता दोस्तों यहाँ पर कोई चीज़ होगी, तो यहाँ से निकलते अब। बिट्टू भाई नहीं आ रहा यार, ऐसे ऐसे डेंजर जगह पर अपन चले गए ना, नहीं हो रहा यार। भैया क्या होता है कि वहाँ पर जैसे बोलते हैं ना कि कोई साइन दें अगर आप यहाँ पर मौजूद हो, तो ये कैटोमीटर है ना यहाँ पर बत्तियाँ चल जाती हैं। दोस्तों लेके बैठा हूँ यंत्र को, कुछ भी बत्ती एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही दोस्तों, कुछ भी। लेकिन मैं एक बार सिर्फ आपके लिए लास्ट बार ट्राई कर रहा हूँ, अगर कुछ भी होगा ना, होना चाहिए और साइन होना चाहिए। दानिश भैया अगर यहाँ मौजूद हो तो प्लीज़ हमें कैटोमीटर में साइन देवे। दोस्तों ऐसा होता है कि यार काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप जाओ जाओ जाओ, बस आपकी डिमांड के लिए पूरा करना आया हूँ ये वीडियो। और एक और बात मैं बोल दूँ स्पेशली आप सभी को, इतना ही दूरी तय करके सिर्फ आपकी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो भाई यार दिल खट्टा होता है, मन दुखता है अगर आप मुझे सपोर्ट और प्यार नहीं देते ना। मैं खुद मान रहा हूँ कि हाँ मुझे सपोर्ट और प्यार करो, क्योंकि दोस्तों मैं आपके प्यार को भूखा हूँ। आप जितना भी प्यार करते हो मेरे लिए कम है यार दोस्तों, प्लीज़ यू बनाए। ओए कुछ हुआ क्या, ऐसे लगा नहीं, प्यार बनाए रखें। और लास्ट और फाइनल ये है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। दानिश भैया की कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई आत्मा है ना कोई स्पिरिट है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। फौरन यहाँ से निकलते हैं, बस एक मकसद था आपको बताना कि यहाँ पे दानिश भाई की आत्मा है या नहीं है। लेकिन दोस्तों नहीं है, श्योर हो गया 101%। और आपको भी प्रूफ करा दिया स्केटोमीटर की सहायता से। दो दिन से सोए नहीं है, आपको मैं डार्क सर्किल देख सकते हो आप। ठीक है लास्ट बारी यहाँ पर जो कर, अगर दानिश भैया आप यहाँ मौजूद हो तो हमें केटोमीटर में किसी भी तरह का कोई भी साइन दे सकते हो। नहीं नहीं अर्जुन भाई एक चीज़ क्लियर हो गई यार, जितने भी भाई लोग थे जो पूछ रहे थे कि भाई उस जगह पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी नहीं है। अगर 1% भी होती ना तो इसमें लाइट आ जाती यार, ये चीज़ का प्रमाण है। अर्जुन भाई एक्चुअली जो भी था बता दिया, अब यहाँ से बिना देर के निकलते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।